ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर्स का, और इसके हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले अगेन आप लोगों को थोड़े से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, रिड्यूस सिलेबस में स्केलर्स है, वेक्टर्स है, और आई थिंक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंक्लूडेड है। तो उन टॉपिक्स के तमाम स्टडी आपने और से करनी है। एक दफ़ा आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको MCQs करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक की एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। पहला MCQ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ डैश हैज ओनली मैग्नीट्यूड, कौन सी क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्केलर। अ डैश हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऑब्वियसली वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ इंडिकेट्स। जब भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। जो इसकी लेंथ है वो क्या शो करती है, वो शो करती है मैग्नीट्यूड, और जो इसका जो हेड है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ग्राफिकली बाय डैश रूल। वेक्टर्स को आप कैसे एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ग्राफ पे, दैट इज बाय हेड टू टेल रूल। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं 90 डिग्री पे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द, जो हमारे पास एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं साइन थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा आप एक चीज़ याद करो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। आप सम पीपल हैव मतलब सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इकोनॉमिक आप याद कर लो, आप आराम से एंगल्स फाइंड कर सकते हो। अगर एफ एक्स और एफ वाई जो है वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं, ब्लैंक नंबर 8 देखो, इफ एफ एक्स एंड एफ वाई आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ, देन एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड हम किस तरह से देखते हैं, देते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। गिवन बिलो आर फ्यू आंसर्स टू ईच स्टेटमेंट, इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी, अब बेटा देखो इसमें से आप देखोगे कौन सी क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। टॉर्क, टॉर्क की भी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, और एक्सेलरेशन की भी होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज में कौन सी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो इसमें बाकी जो क्वांटिटीज होंगी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होगी। सो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है। तो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है इसमें, वेलोसिटी। इफ अ फोर्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ न्यू वेक्टर बिकम्स, अगर हम फोर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड नए वेक्टर का क्या बन जाएगा, एन एफ, वो नंबर जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, ये देखो ये हमारे पास राइट एंगल है, यहाँ पर ये हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इफ एफ एक्स एंड एफ वाई आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, अगर एफ एक्स और एफ वाई आपके आपको पास दिए हुए हैं तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, टेंजेंट थीटा कैसे फाइंड करते हो, बाय एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब आपने चूज करना है ट्रू या फॉल्स। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो होती है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे ख्याल मिस प्रिंट हुआ हुआ है बुक में,
कॉस थीटा मैं आपको बताती हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स, ठीक है वो हम ऐसे ही ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर, नहीं, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप टू वेक्टर्स, सिंगल वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। टू कॉम्पोनेंट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ट्रू, दो कॉम्पोनेंट्स जब राइट एंगल पे हों तो वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट कहलाते हैं, दैट्स ट्रू।